आपने चोरी और लूट की घटनाएं तो बहुत सुनी होगी, कई तो देखी भी होगी, लेकिन अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद से डॉक्टरों से भरोसा ही उठ जाएगा। शायद यही कलयुग है जहां प्राइवेट अस्पताल में होमगार्ड के जवान की डॉक्टरों ने किडनी ही गायब कर दी। जी हां, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन मामला गंभीर है। दरअसल बीते 12 अप्रैल 2022 को अल्ट्रासाउंड टेस्ट में कासगंज निवासी होमगार्ड सुरेश चंद्र की लेफ्ट किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद 14 अप्रैल 2022 को सुरेश ने अलीगढ़ स्थित एक अस्पताल में किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराया। लेकिन 8 महीने बाद जब दर्द उठा तो उसने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, इस बार उसकी लेफ्ट किडनी ही गायब थी। मेरे साथ मेरे दर्द हुआ था तो मुझे बताया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो बताया कि पथरी है। पथरी का ऑपरेशन मैंने अलीगढ़ परी हॉस्पिटल में कराया था। फिर क्या हुआ उसके? उसके बाद मेरे दर्द हुआ 8 महीने बाद। 8 महीने बाद तो मुझे, मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा एक किडनी गायब है। मेरी किडनी गायब है। रिपोर्ट देखने के बाद होमगार्ड जवान के होश उड़ गए। सुरेश ने बताया कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट की रिपोर्ट ये साफ साफ प्रदर्शित हो रहा था कि पहली रिपोर्ट में लेफ्ट किडनी थी और ऑपरेशन के बाद हुई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लेफ्ट किडनी गायब है। सुरेश ने बताया कि पहले जिस लैब में उसने अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया उस लैब में एक कर्मचारी ने अपना परिचित बताकर उन्हें अलीगढ़ स्थित परी हॉस्पिटल में शीघ्र से शीघ्र ऑपरेशन करा लेने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, उस कर्मचारी ने उन्हें पैसे की चिंता न करने की भी बात कही थी। मैंने अधिकारियों से शिकायत की है और उसका आश्वासन दिया है कार्रवाई का। तो आप क्या काम करती हैं वैसे? मैं होमगार्ड में हूँ। होमगार्ड में? तो वो जो हॉस्पिटल अलीगढ़ आप गए कासगंज से, तो किसी ने बताया था आपको वहाँ जाना? हाँ, एक रणवीर चौहान है जी, भैंसौरा निवासी। क्या काम करते हैं वो? वहाँ पे वो पर्ची वगैरह बनाते हैं। कहाँ? गोविल के यहाँ, कासगंज अल्ट्रासाउंड सेंटर। अल्ट्रासाउंड सेंटर में पीड़ित होमगार्ड की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों ने जवान को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी जनपद में इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं। पंजाब केसरी के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।